ये है सोनी ब्रांड का वन ऑफ द बेस्ट बजट कॉम्पैक्ट कैमरा ZV-E10 और इस कैमरा में कहीं ऐसे कमाल के फीचर्स है जिससे ये कैमरा अलग ही स्टैंड आउट करता है। सो आज की वीडियो में हम करने वाले इस कैमरा को टेस्ट और देखने वाले ओवरऑल ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, इससे फोटोज और वीडियोज दोनों सैंपल लेंगे और फिर देखते हैं कि हमें ये कैमरा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस कैमरा का डिजाइन और बटन कंट्रोल्स दिखाता हूं जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि जब आप इस कैमरा को यूज करेंगे तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इस कैमरा का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है, एज यू कैन सी मेरे हैंड में इजिली आ गया। एंड गाइस अगर मैं आपको इसके बटन कंट्रोल्स दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ बटन कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है पावर ऑन और ऑफ करने वाला बटन जिससे आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन जिससे आप रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे है फोकस और डीफोकस करने का बटन। ये है गाइस पावर जूम लेंस का वाइड और टेलीफोटो करने के लिए बटन, यानी कि आप इससे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इस तरह से बटन काम आता है। और इस कैमरा के साथ में हमें जो किट लेंस मिलता है वो है 1650 जो कि एक पावर जूम लेंस है, लेकिन आप इस कैमरा के साथ ई माउंट लेंसेज जो है सोनी के लगा सकते हैं। ये है गाइस अपर्चर चेंज करने का बटन, इससे आप अपर्चर चेंज कर सकते हैं। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट बटन जिससे आप जो है फोटो वीडियो या फिर स्लो मोशन मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस तीन कैप्सूल माइक दिए गए जहाँ से जो है आप सारी क्रिस्प ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं। और ये है हॉट शू माउंट जहाँ पे आप सोनी का माइक डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं बिना वायर लगाए। इस तरफ गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिलती है फ्लिप स्क्रीन। तो ये है फ्लिप स्क्रीन जिसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं और वापस से बंद कर सकते हैं, मतलब ये टोटली जो है फ्लिप आउट हो जाती है जिससे जो है आप इजीली व्लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बटन कंट्रोल दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले है मेन्यू का बटन, फिर है फंक्शन की, और यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरह से आप जो है इन बटन्स को जो है ऑपरेट कर सकते हैं और इस बीच वाले बटन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है गाइस प्रोडक्ट शोकेस का बटन और इससे गाइस आप फोटोज को डिलीट भी कर सकते हैं। और ये है प्लेबैक करने का बटन, यानी कि जो भी आपने फोटो शूट किया या फिर वीडियो शूट किया इस बटन से गाइस आप प्लेबैक कर सकते हैं। साइड में गाइस आपको यहाँ पे बहुत ही डिसेंट सी रबर ग्रिप देखने को मिलती है जिससे जो आप इजिली इसको पकड़ सकते हैं। और हाथ में काफी छोटा सा कैमरा लगता है, बहुत ही हाथ में जो है हैंडी फील करता है। और सामने की तरफ जो है इस तरह का लुक है। यहाँ पे जो है सोनी की ब्रांडिंग दी गई है और ओवरऑल जो है यहाँ पे हमें पावर जूम देखने को मिलता है। इस तरफ गाइस अगर मैं बात करूँ पोर्ट्स की तो यहाँ पे है कुछ पोर्ट। सबसे पहले यहाँ पे है गाइस ऑडियो का पोर्ट, इस तरफ जो है आप कोई भी माइक लगाना चाहे तो लगा सकते हो। और यहाँ पे है गाइस एक और पोर्ट का डोर जिसमें आपको ऑडियो मॉनिटरिंग जैक, एक HDMI और एक USB-C का कनेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइस आप तीनों चीज लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात मेरे को इस कैमरा की ये लगी कि इतने बजट कैमरा में भी हमें ऑडियो मॉनिटरिंग जैक देखने को मिलता है जो एक कंटेंट क्रिएटर के बहुत काम आता है। जब भी आप माइक्रोफोन लगाएंगे तो गाइज आप ईयरफोन्स लगा के सुन सकते हैं कि कैसी ओवरऑल साउंड आ रही है। तो ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी इंप्रेसिव है, बहुत कॉम्पैक्ट कैमरा है। और नीचे की तरफ गाइज यहाँ पे जो है बैटरी डालने का स्लॉट है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से गाइज ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है इस कैमरा का। एंड गाइज अगर हम बात करें इस कैमरा के यूज़र इंटरफेस की तो अगर आप पहले से सोनी के यूज़र हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे बाकी सोनी के अदर कैमराज में यूज़र इंटरफेस होता है, कैमरा सेटिंग्स होती है, सेम गाइज इस कैमरा में भी कुछ आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है इस कैमरा की सेटिंग्स को समझने में, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे सब समझ आने लग जाएगा। और बटन कंट्रोल में अगर हम बात करें प्रोडक्ट शोकेस की तो जैसे ही गाइज आप इस बटन को प्रेस करेंगे प्रोडक्ट शोकेस वाले को तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में लिखा जाएगा ऑन और ऑफ, जो मैं आगे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। और इसी तरह से गाइज हम बैकग्राउंड क्लियर और डी फोकस की सेटिंग्स अपने डिस्प्ले पे देखकर कर सकते हैं। और इसी तरह से गाइज आप मोड का बटन जब दबाएंगे तो आपको डिफरेंट मोड डिस्प्ले पर भी शो होंगे जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि अब आप कौन से मोड में शूट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग्स जो है सारी चेंज कर सकते हैं। बट सोनी के कैमरास में मुझे सबसे डाउनसाइड ये लगते हैं कि इनके मोस्टली कैमरास में टच स्क्रीन जो है पार्शियली काम करते हैं। अब देखिए गाइज अगर मेरे को फोकस करवाना है तो मैं इजीली टच स्क्रीन पर टच करके फोकस करवा सकता हूँ, लेकिन गाइज अगर मेरे को मेन्यू या फिर कोई भी कैमरा सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना तो गाइज मैं टच स्क्रीन से नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गाइज अगर मेरे को प्लेबैक भी करना है जो भी मैं शूट करके आया हूँ, अगर मैं वो भी देखना चाहता हूँ तो वो भी गाइज मैं टच स्क्रीन से जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है मेरे को यूजर इंटरफेस के मामले में। तो डिजाइन नो डाउट काफी कॉम्पैक्ट और इम्प्रेसिव है इस कैमरा का, लेकिन अब देखते हैं कि ये फोटोग्राफी में कैसा परफॉर्म करता है। सो ये गाइस कुछ फोटोज के सैंपल्स हैं जो मैंने अलग अलग एंगल से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोकेशन के लिए, लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फोटोज की क्वालिटी तो नो डाउट इस कैमरा की बढ़िया है, लेकिन गाइस जब आप प्रैक्टिकली इस कैमरा को यूज करेंगे ना तो व्यू फाइंडर की कमी आपको बहुत महसूस होगी, क्योंकि धूप में जब हम काम करते हैं तो डिस्प्ले पे सारा काम नहीं किया जा सकता। और स्पेशली इस कैमरा की डिस्प्ले थोड़ी सी मेरे को डिम लगी,
सनलाइट में काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट गाइज अगर मैं बात करूँ फोटोज की क्वालिटी की या फिर फोकसिंग की या फिर ओवरऑल क्वालिटी की, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगी। तो फोटोग्राफी में गाइज ऑनेस्टली बताऊँ कैपेबल तो है ये कैमरा, लेकिन द ओनली ड्रॉबैक इज इसके अंदर व्यू फाइंडर नहीं है। तो जो लोग स्पेशली फोटोग्राफी करते हैं उनको व्यू फाइंडर की काफी आदत होती है शूट करने की, तो गाइज वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, जिससे जो है इस कैमरा का जो है फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ड्रॉबैक बन जाता है। बट अब देखते हैं कि ये वीडियो परफॉर्मेंस में कैसा काम करता है। तो ये कैमरा गाइज मेनली टारगेट करता है व्लॉगर्स को, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये व्लॉगिंग में कैसी परफॉर्मेंस देता है। और मैंने गाइज अभी स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं कर रखी, जो इसमें स्टेडी शॉट का फीचर है उससे हम जो है स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हैं, लेकिन गाइज वो मैंने अभी ऑफ कर रखी है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इस वीडियो से कि अगर आप इस कैमरा को लेके मूव करते हैं हैंड में और आप कोई भी वीडियो शॉट लेते हैं तो आपको ओवरऑल किस तरह का प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा, ओवरऑल कैसी स्टेबलाइजेशन है। और जो फोकल लेंथ है मैंने पूरी वाइड पर कर रखी है यानी 16 पर, और जो साउंड क्वालिटी आप सुन रहे हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम दी कैमरा, जो कि इसके अंदर 3 कैप्सूल माइक लगे हुए हैं उससे गाइज आपको जो है डायरेक्टली साउंड आ रही है, कोई भी एक्सटर्नल माइक मैंने नहीं अटैच कर रखा। एंड गाइज अभी तक जो भी आप वीडियो देख रहे थे वो रिकॉर्ड हो रही थी फुल HD में, अब मैं इस कैमरा को 4K में स्विच करता हूँ और देखता हूँ क्या हमें कोई प्रोस्पेक्टिव में या फिर ओवरऑल व्यू में कोई फर्क देखने को मिलता है, कोई क्रॉपिंग तो नहीं होती, आइए देखते हैं। अब गाइज मैंने इस कैमरा में जो रेजोल्यूशन है वो चेंज कर दिया 4K मोड पर 25 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर, क्योंकि हम मैक्सिमम उसी स्पीड पर शूट कर सकते हैं, लेकिन व्लॉगिंग में वो जो मोड है वो मेरे को ज़्यादा कामयाब नहीं लगा, क्योंकि गाइज 25 फ्रेम पर सेकंड है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर मैं इस कैमरा को लेकर मूव करूँ आपको थोड़े बहुत जर्क दिखाई देंगे, मतलब स्टेबलाइजेशन आपको दिखाई नहीं देगी ज़्यादा, क्योंकि 25 फ्रेम पर सेकंड है। एक तो गाइज इस कैमरा में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो आपको व्लॉगिंग में कुछ खास स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। स्टेडी शॉट में थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन गाइज अगर आप 4K में स्विच करते हो 25 फ्रेम पर सेकंड पर, तो गाइज आपको जो है बहुत ही ज्यादा कम स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो गाइज अगर आप इस कैमरा से व्लॉगिंग करना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल HD मोड में 50 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर जो है रिकॉर्ड करें, उसमें गाइज आपको काफी अच्छी स्मूथ वीडियोस देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल तो गाइज आपको इस वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि अगर आप 4K में स्विच करते हैं तो आपको कैसी स्टेबलाइजेशन और ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब गाइज मैंने 4K मोड में स्टेडी शॉट का फीचर ऑन कर दिया है और जो प्रोस्पेक्टिव है थोड़ा सा जूम हो चुका है, आई होप स्टेबलाइजेशन अच्छी आ रही होगी। तो अगर मैं कैमरा मूवमेंट करता हूँ तो स्टेडी शॉट में ओवरऑल इस तरह की ये कैमरा स्टेबलाइजेशन करता है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं गाइस स्टेडी शॉट के साथ व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इतना ज्यादा जूम हो चुका है कि मैं आसपास का ज्यादा एरिया नहीं दिखा पा रहा। पहले प्रोस्पेक्टिव फिर भी वाइड था 16mm पर, लेकिन स्टेडी शॉट ऑन करने के बाद जो है प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा जूम हो जाता है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको स्मूथ फुटेज चाहिए तो आप स्टेडी शॉट ऑफ करके इसके साथ एक गिम्बल को यूज करें, आप ज्यादा बेटर शॉट्स ले पाएंगे। और गाइज अगर आप व्लॉगिंग के अलावा इस कैमरा से नॉर्मल हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं तो गाइज आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलेगी। इस कैमरा में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है हैंड हेल्ड शूट करने पर काफी अनप्रोफेशनल लगती है। मतलब गाइज अगर आपके पास गिम्बल है तो आप बहुत अच्छी वीडियो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गिम्बल नहीं है तो हो सकता है गाइज आपकी वीडियो थोड़ी बहुत अनप्रोफेशनल लगे। और इस कैमरा के साथ हमें पावर जूम लेंस मिलता है, तो अगर हम उससे जूम करके वीडियो बनाते हैं 16mm से 50mm पर, तो गाइज जो ट्रांजिशन है जूम आउट से जूम इन का वो ज्यादा स्मूथ नहीं लगा मेरे को। अगर ये चीज गाइज हम बाकी कैमरास में मैन्युअली जूम करें तो बहुत स्मूथ होती है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तो हमें जर्क दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज ये चीज जो है मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी इस कैमरा की, बट ओवरऑल क्वालिटी इज रियली रियली गुड। एंड गाइज अगर हम बात करें स्लो मोशन की, तो ये कुछ स्लो मोशन के शॉट्स है जो मैंने लिए हैं और स्लो मोशन भी मेरे को बहुत अच्छा इसका लगा। स्लो मोशन में हम ज्यादा स्लो मोशन नहीं कर सकते, लेकिन इतना भी बहुत है, और हम इसमें मैक्सिमम स्लो मोशन फुल HD रेजोल्यूशन में कर सकते हैं, 4K में बिल्कुल नहीं कर सकते। 4K में हम मैक्सिमम 25 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर शूट कर सकते हैं। तो अपने व्लॉग में गाइज अगर आप स्लो मोशन सिनेमैटिक शॉट्स लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे इस कैमरा से सिनेमैटिक शॉट्स आप ले सकते हैं। और गाइज अगर आप इस कैमरा से नाइट में व्लॉगिंग या फिर नाइट में शॉट्स लेना चाहते हैं वीडियो के, तो गाइज आपको मिलने वाली है कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस। बाकी सोनी के कैमराज नाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और फोकसिंग में भी कोई खास इशू मेरे को देखने को नहीं मिला जब मैं इससे नाइट में शूट कर रहा था। तो ओवरऑल फोटोग्राफी और वीडियो टेस्ट करने के बाद गाइज मैंने इस कैमरा में टेस्ट किए प्रोडक्ट शोकेस और गाइज इसका जो बैकग्राउंड डीप फोकस वाला फीचर है वो, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सैंपल्स जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि वो किस तरह से काम करता है।
अब जो गाइज आप बैकग्राउंड देख रहे हैं और सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा सेपरेशन है, जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा ब्लर है और डेप्थ बहुत अच्छी निखर के आ रही है। तो ये गाइज बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है जब हम इसको बैकग्राउंड में डिफोकस करते हैं। और इसी तरह से गाइज जब हम बैकग्राउंड क्लियर रखते हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की डेप्थ बहुत कम हो चुकी है, पीछे का एरिया भी अच्छे से दिखाई दे रहा है और सब्जेक्ट भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस फीचर का बहुत फायदा है और हमें ड्रास्टिक फर्क देखने को मिलता है दोनों मोड्स में। और इसी तरह से गाइज प्रोडक्ट शोकेस का फीचर भी काम करता है। अभी वो फीचर ऑन है और जैसे ही मैं R6 सामने लाता हूँ फोकस R6 पे आ जाता है, और जैसे ही मैं हटाता हूँ फोकस मेरे ऊपर आ जाता है, और जो ट्रांजिशन है ना फोकस शिफ्ट का वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। अब मैंने प्रोडक्ट शोकेस ऑफ कर दिया और जैसे ही मैं R6 सामने ला रहा हूँ कैमरा बिल्कुल भी इस चीज को फोकस नहीं कर रहा, सारा फोकस मेरे ऊपर है। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। तो ऑनेस्टली बताऊं ना गाइस, मेरे को ये कैमरा काफी इंप्रेसिव लगा, बट एक वीडियो क्रिएटर या फिर कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फीचर्स है ना, जैसे कि 4K वीडियो 6K डाउन सैंपल करके, ऑडियो मॉनिटरिंग जैक, USB स्ट्रीमिंग, फ्लिप आउट स्क्रीन, डीफोकस करने वाला फीचर, सभी जो है एक वीडियो क्रिएटर को टारगेट करते हैं, एक फोटोग्राफर को इतना टारगेट नहीं करते। एंड सेकंड थिंग गाइस, इस कैमरे में कोई भी व्यू फाइंडर नहीं है, तो फोटोग्राफर इस कैमरा को बिल्कुल चूज नहीं करने वाले, क्योंकि हर फोटोग्राफर को पता होता है कि व्यू फाइंडर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोग्राफी में, स्पेशली आज के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आता है। तो अगर आप किसी भी तरह की वीडियो प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो गुड टू गो है ये कैमरा, स्पेशली कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो गाइज ये कैमरा आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बाकी गाइस आपको ये कैमरा कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।